आज है मेरे जापानी दोस्त की शादी और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है शादी हॉल। देखें कैसे दरख्त लगाए हुए हैं। देखिए ये है इस हॉल की एंट्रेंस, बड़े ही अच्छे तरीके से इन्हें सजाया हुआ है। आते साथ ही पहले अपनी फ़ोटो लगाई है मियाँ बीवी की और इन्होंने देखिए किताब बनाई है अपनी शादी की, वेडिंग की, जिसमें आज का मेन्यू भी है, इनकी अपनी फ़ोटो भी है, अपने बारे में भी मियाँ बीवी ने देखें दोनों अपने बारे में इन्होंने ये पूरी किताब बनाई है। ये देखिए ये है शादी हॉल, यहाँ पे पहले शादी की तकरीब होगी, पियानो वाली बैठी हुई है, यहाँ पे शादी की तकरीब होगी, फिर उसके बाद खाना वगैरह होगा। तो ये भी लाइन वाइज में बैठने बैठने का तरीका ये होता है कि सबसे आगे फैमिली वाले बैठते हैं, तो जो हस्बैंड है यानी जो मेरे दोस्त है उसकी फैमिली आगे बैठी हुई है और दोस्त वगैरह दरमियान में बैठते हैं, तो मैं दरमियान में आ जाता हूँ। ये स्टेज आप देखें, स्टेज के ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है। ベールを包んで差し上げてください。そしてこの曲、ゆみさんのお母様が大好きだった、お米と前のトゥモロー、お風呂の中で口ぐさんだり、車の中で一緒に弾いたり、母の大好きな曲とともに一緒に歩みます。吉優さん、ゆみさんの人を喜ばせようとする献身的な姿やそんなことが原因です。ぶつかり合うたびにお互いに話し合おう、どう良くしていこうか時間を作って、互いを理解しながら癖を感じながら、どうぞ。私が何かやりたい時とかそこに関わる人だったりとか利害関係者の大丈夫だよというその言葉や、いろいろなことに挑戦しようとする人たちの姿を見て、それが自分の刺激になって踏み出すきっかけになりました。どうぞおめでとうの言葉やたくさんの拍手お二人にお送りしていただきましょう。たくさんの幸せが訪れますように。Thank you.
पहली सेरेमनी थी ये ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे सब फैमिली फ्रेंड्स वगैरह इंतज़ार कर रहे हैं, अभी फ़ोटो बनेगी यहाँ पे फैमिली के साथ, फिर उसके बाद खाना है, खाने की दावत होती है यहाँ पे। सबसे पहले इस तरह के हॉल में देखें, यहाँ पे जैसा आपने देखा इस तरह की शादी होती है जापान में, सिंपल सी। देखिए इन्होंने ट्रेडिशनल डिज़ाइन का ये बनाया हुआ है हॉल, यहाँ पर दरख्त थके से कहते हैं, ये जो बम्बू निकले हुए हैं, आग लगी हुई है, देखें खूबसूरत सा इन्होंने जगह बनाई है। तो ये हॉल है, शादी हॉल। तो ये पोस्टर था जिसके ऊपर मैसेज लिखने होते हैं, तो मैं उर्दू में लिख दिया कि आपकी शादी मुबारक हो। देखिए सबने मैसेज लिखा हुआ। तो अब ये दूसरी सेरेमनी है जिसमें खाना होता है और थोड़ी इंजॉयमेंट होती है। देखिए इन्होंने पोस्टर लगाए हैं, वेलकम टू योशी एंड यूमी वेडिंग।